अस्सलामुअलैकुम। सुन्नी ताजिया कमेटी मालेगांव की जानिब से सालाना मीटिंग का इनेकाद यहाँ पर हुआ। बड़ी तादाद में ताजियादार यहाँ पर मौजूद रहे। हर साल हम लोग जो है तो कमरे में मीटिंग किया करते थे, मगर जब मैं यहाँ आया तो मुझे बताया गया कि इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं कि हम लोग कमरे के अंदर नहीं बैठ सकते, इसलिए भी बाहर अर्जेंट में इंतज़ाम करना पड़ा। इसलिए लाइट वगैरह का नहीं हो सका, मगर बाहर हमने जो बैठने का इंतज़ाम किया बाहर मीटिंग के लिए, मैं तमाम ताजियादारों का शुक्रगुजार हूँ कि लाख बदनामी करने के बावजूद आज ताजियादारों का एतमाद पूरी ताजिया कमेटी के अराकीन के ऊपर है, और ये ताजिया कमेटी के जो भी जिम्मेदारान हैं उनकी मेहनतों का समरा है कि आज ताजियादार मुकम्मल तौर पर पूरी ताजिया कमेटी पर एतमाद बनाए हुए। अहम मसला जो है हम लोगों के सामने इस साल ये आया कि सिया कब्रस्तान के अंदर जो इमाम बाड़ा है वहाँ से एक पर्चा दिया गया कि हम लोगों को जगह की तहसील ताजिया रखना मुश्किल है, उसी को ज़्यादा मुद्दा बना करके शहर में उछाला जा रहा है। हमने आज से 5 साल पहले वहाँ पर शिकायत की थी कि ताजिया जो रखे जाते हैं उसकी ढंग से देखरेख नहीं हो पाती। पिछले साल भी बहुत सारे ताजिया टूट फूट गए थे, तो उन लोगों ने तभी हमसे कहा था कि यार हम लोगों के पास जगह की तंगी है, और हम लोग 5 साल से इस बात की कोशिश कर रहे थे। 2018 में कॉरपोरेशन में एक तजवीज़ मंजूर हुई कि भिकन शाह दरगाह के पास गिरना नदी के पास ताजिया दफ्न करने के लिए मुनासिब इंतजाम के साथ एक प्रीमाइसेस एक इलाके को डेवलप करके विकसित करके दिया जाएगा। ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल है, विकसित करके मतलब डेवलप करके दिया जाएगा, और ताजिया जो अगले साल के लिए रखते हैं उनके ताजिया महफूज रखने के लिए एक शेड बना करके दिया जाएगा। इस तरह की तजवीज़ महासभा में उस वक्त के मेयर आली जनाब शेख रशीद साहब की तजवीज़ थी, और शहर की तमाम पार्टियों के लोगों ने एक राय से उसको मंजूरी दी थी। उसके बाद बजट का वक्त आया, स्टैंडिंग कमेटी के शिवसेना के चेयरमैन थे अतीक कमाल साहब, बुलंद इकबाल साहब, डॉक्टर खालिद परवेज़ वगैरह ने बहुत ज़ोर लगाया, और 40 लाख रुपए की खतीर रकम ताजिया के हुसैनी सागर के लिए और ताजिया रखने के शेड के लिए मंजूरी दी गई। बात आई मरहला आया जगह का कि कहां पर बनेगा, वो जगह होना चाहिए। उसके बीच में कुछ लोगों ने एक सिरपसंदी की, और वहाँ पर जो ताजिया के लिए जो बनाना था उसके अंदर एक अरीजा दे करके उसमें छेड़छाड़ की, और वहाँ लफ्ज़ ताजिया कुंड आ गया। तो अफिसरान का दिमाग ऐसा बना कि जिस तरीके से गणपति का कुंड होता है इस तरीके से कुंड बना दिया जाए, और वो लोग मान नहीं रहे थे कि वो कुंड लिखा हुआ है ठहराव के अंदर। फिर हमने उसको दुरुस्ती करवाई, और उसको हमने हुसैनी सागर ताजिया दफन होता है, ताजिया डुबाया नहीं जाता, और ये सब अल्लाह की तरफ से है कि अल्लाह ने ताजिया को ऐसा बनाया कि कोई डुबाना चाहे भी तो डुबा नहीं सकता। मुझसे ये भी बोला गया कि जरा बड़ा कुंड बना देंगे, तो मैं बोला गिरना डैम में लेके चलो ताजिया को डाल के देखो डूबता है क्या। ताजिया को अल्लाह ने खूबी अता किया कि ताजिया डूबता नहीं है, किसी के डूबाने से डूबेगा नहीं, ताजिया को दफन किया जाता है। दफन करने के लिए एक जगह ऐसी चाहिए, वहाँ पर जगह थी पहले, नदी में रेत थी, हम लोग दफन कर दिए थे, अब रेत हुआ सब चुरा कर ले चले जाते हैं, रेत रहती नहीं है, पत्थर खोद के कैसे ताजिया दफनाएंगे। तो इसलिए ऐसी जगह रहे कि जो चार दीवारी में रहे ताकि वहाँ की रेत मिट्टी कोई ले ना जा सके और वहाँ कोई गंदगी ना कर सके। तो इसलिए ऐसे एक प्रीमाइसेस बना करके उसको हुसैनी सागर नाम देना और वो करना। तो फिर हमने वो कुंड को सीधा करवाया ठहराव के अंदर, उसमें 8-10 महीने लग गए, वो रकम पड़ी थी, साल आने लगा, तब फिर हमने दोबारा से फिर पूरे कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटरों ने, हर पार्टी के कॉरपोरेटरों ने ताउन किया, और दोबारा भी नए बजट में भी उस रकम को रखा गया। फिर हमने जो थे कॉरपोरेशन की मिल्कियत की ज़मीन के उतारे नक्शे वगैरह दाखिल किए, उस पर काम आगे बढ़ा, मगर फिरका परस्त ऑफिसरों ने उसके अंदर ये कि भाई शमशान भूमि लिखा है वहाँ पर, तो हमने उनको बताया भी कि जहाँ आयशा नगर कब्रस्तान का उतारा हमने ले आके बताया कि आयशा नगर का जो हालिया कब्रस्तान है उसके उतारे पर भी तो शमशान भूमि लिखा हुआ है। तो ये टेक्निकल मिस्टेक है, ये तकनीकी गलती है, इसको दुरुस्त किया जा सकता है, मगर उसी की आड़ लेकर के वहाँ पर उस जो कॉरपोरेशन की मिल्कियत की जो ज़मीन है, और जो राजा बहादुर ने 200 रुपये के बस 2 एकड़ ज़मीन दी थी, आधे पर शमशान भूमि बनी हुई, आधी ज़मीन पर ताजिया हमेशा वहाँ खड़े होते थे, ताजिया वहीं जा करके खड़े होते थे, वहीं दफनाए जाते थे, और वो जगह थी कि इसलिए कि भाई ताजिए के लिए हॉल बनाया जाए। तो वो जगह के लिए हमारी लड़ाई जारी है। कल कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब ने जा करके उस जगह का मुआयना किया तमाम अफिसरान के साथ, वो जगह कहाँ है, 1 एकड़ ज़मीन उसकी तलाश के लिए उन्होंने ज़मीन के मोज माप का ऑर्डर निकाला है। पीर के दिन प्रांत ऑफिसर साहब बहुत बड़ा एक डिपार्टमेंट लेकर के वहाँ पर जो कलेक्टरी जगह भी है जिसके ऊपर लोग वहाँ पर कुछ नाजायज़ कब्ज़ा करने की कोशिश की, और ऐसा इल्ज़ाम ऐसा बोला गया, मेरे कान तक ऐसी बात आई
कि वहां पर हम लोग रातों रात एक शेड बना देंगे और वहां मस्जिद मदरसा बना देंगे। मैं आप लोगों के जरिए से इस शहर की आवाम से गुजारिश कर रहा हूं कि गैर कानूनी कोई ज़मीन होगी उसके अंदर 25 प्लाट गिरा करके 4 प्लाट पे मस्जिद मदरसा बना करके वो बाकी के 21 प्लाट पे कमाई करना चाहते होंगे, तो ऐसे काम करने वाला ये कोई दीन का काम वाला नहीं हो सकता। तो अगर कोई ऐसे वो बोले मस्जिद मदरसा बना देंगे तो कोई उसको कुछ कर नहीं सकेगा और रातों रात शेड बना देंगे। तो इस बात से लोग होशियार रहें, वो कलेक्टर की ज़मीन है, प्रांत ऑफिसर साहब उसका मोलमाप करेंगे और वो जगह ताजिया दफन करने के लिए डेवलप करके और वहाँ हुसैनी सागर बना करके देने की बात है। तो ये कार्रवाई आगे जारी है, इंशाल्लाह हम इसमें कोशिश करते रहेंगे। मीडिया का हमारा बहुत ताउन रहा है हमेशा, आगे भी हमारा ताउन मीडिया के लोग करेंगे। हम सुन्नी ताजिया कमेटी की जानिब से मीडिया के शुक्रगुजार हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि जो मस्बित बातें होंगी उसको आप ज़रूर तशहीर कीजिए और अगर कहीं पर हम लोग हमसे कुछ गलती होती है तो उसकी निशानदेही भी आप ज़रूर करें हम लोगों को। इंशाल्लाह हम आपके साथ रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अभी कोई गाइडलाइन आई है नई हुकूमत की जानिब से ताजिया के जिम्मेदारान को? हुकूमत की तरफ से कोई गाइडलाइन अभी मुहर्रम की नहीं निकली है, लेकिन बुध के दिन डिपार्टमेंट के लोगों ने खासतौर से एडिशनल SP साहब की कोशिश से शहरी अमन कमेटी की मीटिंग प्रांत ऑफिसर की सदारत में हुई थी, वहाँ इस बात पर जोर दिया गया क्योंकि 2 महीना पहले से गणपति की गाइडलाइन आ चुकी है और जबकि गणपति का त्यौहार जो इस साल 1 महीना खसक गया है, गुज़िश्ता तीन सालों से गणपति और मुहर्रम एक साथ आ रहे थे, वो आधिक मास के जरिए से उनका त्यौहार अब 1 महीना आगे चला गया, मगर उसके बावजूद 2 महीना पहले से उनकी गाइडलाइन आई है। और उन लोगों का ऐसा बोलना है कि उसकी मुनासबत से अगर देखा जाए तो साबिका की तरह ही गाइडलाइन रहने वाली है, मगर मैं अभी मेरे हमारे ताजियेदारों की ख्वाहिश ये है कि अब वो जो मालेगांव के हालात के मुनासिबत से हम लोगों को ताजिए का जैसे रखने की परमिशन तो है, लेकिन जुलूस के साथ जब हम जो वहाँ जाते थे करबला और हमारे तुर्बत वगैरह दफनाते थे जिनको ताजिया दफन करना हो ताजिया दफन करते थे, तो हम उस शक्ल में हम वहाँ पर जा सके इसकी इजाज़त लेने के लिए कोशिश हम लोग करेंगे, हम लोगों की ये कोशिश चल रही है। रास्ते की दुरुस्तगी के ताल्लुक से क्या मुतालबा किया कार? रास्ते की दुरुस्तगी के ताल्लुक से ऐसा है कि कारपोरेशन के लोग जो है मेरी 2 साल पहले जब जुलूस था तो मेरी वहाँ पर सिटी इंजीनियर से बात हुई कि मैं अपने ढंग में आऊँ, तो साल भर कारपोरेशन में क्या काला पीला चलते मैं नहीं आता, साल में एक बार आता हूँ कि हमारे ताजिए के रास्ते दुरुस्त कर दो, आप करते नहीं। तो उन्होंने मुझसे माजरत के साथ एक लेटर बताया कि ये सरकार का लेटर है, कलेक्टर ऑफिस से आता है, पुलिस से आता है कि ये ताजिए का रास्ता है। तो ताजिए का जो रास्ता है ना वो इकबाल डाबी से कुसुम्बा रोड शहीद अब्दुल हमीद रोड होते हुए बस स्टैंड, वहाँ से मछली बाज़ार, इस्लामपुरे से मोहनपुर गली से होता हुआ, चंदनपुरी गेट से होता हुआ वो करबला तक चला जाता है गिरना नदी तक, बस इतना ही रास्ता उसमें लिखा होता है और ये बहुत पुराना रास्ता है। तो उसको जो नए इलाके आज शामिल हुए, गोल्डन नगर का इलाका हुआ तुम्हारा, पवारवाड़ी नौरंग कॉलोनी वगैरह का इलाका, रमजानपुरी का इलाका, इन रास्तों का उसके अंदर शमूलियत नहीं है, इसलिए वो लोग वहाँ पर काम करने से कासिर रहते, ऐसी माजूरी उन्होंने जाहिर की थी। तो मैंने पिछले साल कलेक्टर साहब को बोला था कि यार उसमें 2007 में जब एडिशनल SP राजेश प्रधान थे तब हमने यहाँ पुलिस स्टेशन में मीटिंग में बात रखी थी कि जो अहम रास्ता होता है मुख्य मार्ग, जो मेन रास्ता होता है, उसके अलावा ज़िमनी रास्ते बोल करके इन तमाम रास्तों को उसमें शामिल करके अगर उसको सरकार के रिकॉर्ड में ले लिया जाए तो उन रास्तों पर काम करने की आसानी हो जाएगी। वो काम हमारा काफ़ी हद तक के आगे बढ़ गया है, इंशाल्लाह रास्ते का जब उनके पास सर्कुलर रहेगा तो बराबर काम करके देंगे, ऐसी हमको उम्मीद है। ये आखिरी सवाल सर कि हुसैन रजी अल्लाह उन लोगों को मिलाने के लिए आए थे, आज उनकी याद मनाने वालों भी 2 हिस्सों में बढ़ गए हैं, आप सुन्नी ताजिया कमेटी और शहर में एक ताजिया कमेटी, इस पर क्या बोल रहे हैं आप? इत्तेहाद की बात होना चाहिए। मैं आपके चैनल के ज़रिए से तमाम इमाम हुसैन के मानने वालों को इत्तेहाद की दावत देता हूँ, उस इत्तेहाद के लिए जो भी कुर्बानी देना होगी मैं उस कुर्बानी को देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बात को याद रखें कि इमाम हुसैन ने यजीद के जो भी नाजायज़ मुतालबात थे, उसके जो नाजायज़ तरीके थे, उनके साथ समझौता नहीं किया। कहा जाता है कि इस्लाम जिंदा और कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इमाम हुसैन ने अपने सर को कटा दिया अपने उसूलों से, ईमान से समझौता नहीं किया। जहां पर ईमान की बात आएगी तो वहां पर मैं बोला कि हमारा अकीदा हमारे ईमान के साथ हम अपने रास्ते पर है ना, हमारे यहां पर बहुत सारे हिंदू भाई भी ताजियादारी करते हैं देहातों में, वो अपने अकीदे के मुताबिक करते हैं, तो हम सबको इत्तेहाद की दावत देते हैं।
लेकिन हम ये बोलने चाहते हैं कि आप अपना अकीदा किसी के ऊपर थोपने की कोशिश मत करो। इमाम हुसैन की जहाँ मोहब्बत का सवाल है, सब लोग मिलजुल करके और इमाम हुसैन के पैगाम को आम करो। और हम लोग जो हैं तो अल्लाह के राह में जिस तरीके से इमाम हुसैन ने कुर्बानी दी, हर तरह की कुर्बानी अपनी अन्ना की, मैं बड़ा के तू बड़ा, अगर बड़ापन का सवाल होगा तो मैं उन सब लोगों को बड़ा मानने को तैयार हूँ, वो सब बड़े रहें, मैं सबसे छोटा। और हम इत्तेहाद की मैं आज फिर दावत दे रहा हूँ आप लोगों के ज़रिए से, और मैं जो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सब मेरे साथ खड़े हैं, सुन्नी ताज़िया कमेटी के तमाम अराकीन, आप सब मेरी बात से मुत्तफिक हैं कि इत्तेहाद होना चाहिए। शुक्रिया। डायमंड कारपेट मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार होलसेल रेट में यहाँ पर कारपेट